अभी हम आपको एक शार्ट दिखाएंगे जो कि प्रेग्नेंट है। आपने सब चीज ना आज तक हम लोग ओनली वीडियो में देखे थे, बट आज सामने से देखे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पहले ये बहुत बड़ा रोबोट दिखेगा, दो मुहा मछली है, उसके फ्रंट पे भी है और लास्ट पे भी है, तो वगैरह ले सकते हो। ये वाला जो सीन है वो है चल रहा है, इसका अलग से चार्ज देना है। अलग से मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, अनबन वो गुस्सा हो गए, इसलिए वीडियो में नहीं आ रहे हैं। जानते हो यूट्यूब पे एक वीडियो आता है कि हम सबसे खराब होटल में रहेंगे 24 घंटा के लिए, हम लोग रह भी लिए, हम लोग रह भी लिए और बिना जाने पर वीडियो भी नहीं बनाया, वो चैलेंज भी नहीं हुआ। वीडियो तो हम आपको क्या ही बता, इसमें भी दिखा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। साइंस सिटी पानी बोतल सब रख ली ना, जो हम लोग बस चलते हैं साइंस सिटी। अभी हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं अपने तरफ। कम से कम ये वो चीज थोड़ा बहुत पहचानने लगे, हम लोग तीसरे फ्लोर पे हैं और यहाँ तक एटलीस्ट लिफ्ट का ऑप्शन है, तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि 10 में एक रेटिंग दे सकते हैं। हाँ। नहीं तो बाकी सब के लिए 0 बोले तो 0। मेरा मसाले तो माइनस कर दिया। और इनका लुक है ये, हमको अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसा बात नहीं है, कल से अच्छा आज वाला लग रहा है। पीछे उसका थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, नहीं सबको अच्छा लग रहा है। और वही बात है कि अभी अब हम सोच रहे हैं ना कि ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हम लोग को घुमाएं, अब जैसा भी हो इनका गलती तो नहीं था, लेकिन हम सोच रहे हैं एक बार ना, ये पकड़िए तो फोन, ये चैलेंज रखते हैं कि एक बार हम ओनली, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना होटल बुकिंग, ना ट्रेन टिकट वगैरह, कुछ भी नहीं, ना ये रैपिडो वगैरह कुछ नहीं, ओनली हम सब कुछ करेंगे, आप हमारे साथ घूमिएगा, देखेंगे कभी, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, बिहार में। इधर रास्ते में ही ये लोग बैग को खोल खाल करके पूरा सामान खत्म कर दिए, मतलब इसका चैन खराब हो गया। और रैपिडो वाले ने कितना अच्छा, इस बार देखो सीधे हम लोग सोचे कि आएगा नहीं आएगा, सामने आ गया बेचारा, तो चलते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद अभी जगा हुआ नहीं है, सोया हुआ है अभी। अहमदाबाद में हम लोग निकले और अहमदाबाद में जाम ना मिले तो ये अच्छा नहीं लगता। और इधर लग रहा है जैसे हम लोग का तरफ गुदरी मार्केट लगता है ना, वैसे ही अहमदाबाद का गुदरी मार्केट लग रहा है। अभी कितना पूछ के अभी फाइनली हम लोग पहुंचे साइंस सिटी के जस्ट बाहर। लोकेशन जो गूगल पे डाल रहा था मैं भी और ऑटो ड्राइवर भी, उनसे नहीं हो पाया, पर जस्ट अभी हम लोग पहुंच गए गेट नंबर 2 पे। और दिखा दो मंडे क्लोज। हाँ मंडे को ये क्लोज रहता है, अगर कोई आएगा तो इस चीज का खास ध्यान जी। यहाँ पे सब डिटेल्स दिया हुआ है, गैली का, पार्किंग का क्या चार्ज है, बाकी अंदर चलते हैं बता देंगे खरीद के टिकट क्या क्या लगेगा। अभी खोजते खोजते हम लोग को टिकट काउंटर मिल गया, तो ये गए हैं टिकट कराने और हम लोग अभी साइड वेट करेंगे टिकट लेके आने का, फिर देखते हैं। लोग में जो साइंस सिटी अहमदाबाद वाले साइंस सिटी में पहले कौन कौन लोग आए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहाँ पे बोर हो रहे थे तो फिर बच्चा खिलाने लगे वहीं। इधर ये रहा भीड़ और इधर रहे हमारे पति देव, इस भीड़ में से एकदम जंग लर लर के टिकट लेके आए हैं। देर क्यों हो रहा जान रही हो? क्यों देर हो रहा है कि ये लोग कैश पेमेंट ले ही नहीं रहा है। अब जो बहुत आदमी आया उसके पास कैश नहीं है तो इधर उधर जुगाड़ कर रहा है, तो दिक्कत हो रहा है। हाँ। सिर्फ इसको कार्ड चाहिए या फिर स्कैन करके लो, तो हम लोग अभी कॉम्बो टिकट लिए हैं जिसमें सब कुछ फ्री है, बट आगे चाहते पता चले कि नहीं ये वाला इसमें इंक्लूडेड नहीं था तो इसका अलग से रुपया ऐसा हो सकता है। हमारे उस साइड में टिकट चेक करवा के उस साइड में हमारे पति बैग रख दिए हैं और अब टोकन लेने जा रहे हैं उनसे। और यहाँ पे आने के बाद इधर आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा लगे जाए तो इधर जमा कर सकते हैं और उधर टिकट स्कैन करवा के रेडी है उधर। बाकी कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन टिकट किए हुए हैं और उनको यहाँ पर बोला पहले प्रिंट आउट लेके आओ, उसके बाद होगा तो ये लोग बहुत परेशान है, उनको दिखा सकते हो। और एंट्री होते होते वहाँ पे आई लव साइंस सिटी, हम लोग सबसे पहले जाएंगे वहीं पे आई लव साइंस सिटी के पास। वहाँ जाके हमारे पति कहेंगे मेरा ऐसे फोटो खींचो, ऐसे फोटो खींचो, ऐसे फोटो खींचो, खींचेंगे ना तभी तो बता रहे हैं अपना। बाकी पहले से कोई अंकल जी उस पे चिपके हुए हैं फोटो खिंचवा रहे हैं,
चलिए वहाँ जाके देखते हैं क्या उस साइड में क्या है। अभी तो हम लोग को नहीं पता है, बट घूमते घूमते पता चल जाएगा। और इनसे मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, अनबन, वो गुस्सा हो गए इसलिए वीडियो में नहीं आ रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होगा, देख ही पा रहे हैं जो बात हम बोले। काफी हम खराब कर रही, बताओ ना। खराब कुछ नहीं कर रहे हैं, बात एक मुँह बनाओ। आई हो घूमने को तो समझ नहीं आता, आई कह लो। अगर हम घूमने आए हैं तो इंसान घूमेगा या ओनली कैप्चर करेगा? कर दो फोन फिर, तो फिर ये घूमने का काम करते हैं। वही तो बात कह रहे हैं ना, नहीं हम बात ये कह रहे हैं कि हमको ब्लॉग भी करना है, शॉर्ट्स भी करना है, फोटो भी लेना है और फिर कुछ ट्रायल शॉर्ट्स भी लेना है, देन घूमना कब है? फिर मत घूमो। तो इस वजह से हम इनको थोड़ा सा वही बोल दिए कि इतना इतना चीज है, उसमें से कोई बहुत खास जगह का लेंगे ओनली, तो फिर ठीक है तुमको जब 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 लगे करना मत करना, उससे अच्छा होगा मत करना, छोड़ दो। इस साइड में है चंद्रयान, उस साइड में लेकिन कुछ घूमने फिरने का भी है। ये मतलब स्टैचू हम दिखा रहे थे ओनली, और यहाँ पे भी टिकट विंडो है। अब देखते हैं यहाँ पे उस टिकट में काम फड़ जाता है कि अलग से हम लोग को टिकट लेना पड़ेगा। अभी तो गए हैं वो पता करने, अगर वो क्लियर हो गया तो फिर हम लोग भी चले जाएंगे और उसमें घूमेंगे। उसमें घुमाया क्या जा रहा है, बस इधर उधर डुलाया जा रहा है, देखते हैं अभी। राइडर इसका क्या है, क्या हम लोग 499 में सोचे कि सब कुछ फ्री होगा, बट इधर आकर पता चल रहा है इसका अलग से चार्ज देना है, अलग अलग चार्ज करना। अब वो देखिए नहीं, सब कुछ का नहीं है, बोल रहा है कि दो चीज इसमें फ्री था, तो एक तो ये हो गया और एक आईमैक्स करके है, बाकी सब फ्री है। तो इधर अभी हम लोग टिकट ले लिए, 30-30 का टिकट पड़ा, और ऊपर चल के देखते हैं क्या है अभी। हाँ अभी उतने देर से उधर घूम रहा था लोग अंदर, अभी खाली हो गया, तो अब उधर से हम लोग जाएंगे घूमने। और अभी जब तक उस साइड से सब लोग खाली नहीं हो जाएगा तब तक इधर वाला गेट खुलेगा नहीं, जस्ट हम इंतजार कर रहे हैं गेट खुलेगा तो अंदर जाएंगे। हाँ जाने के बाद शायद अच्छा ना लगे, बट पता नहीं, बस हमको तो ये कि बस अंदर थोड़ा ठंडा हो, बहुत ज्यादा धूप नहीं है, धूप नहीं दिख रहा है, लेकिन गर्मी वो उमस वाला गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। फाइनली ये खुल गया है, अब हम लोग जा रहे हैं। गुजरात साइंस सिटी में आपका स्वागत है, मोशन सिम्युलेटर में आने के लिए धन्यवाद। सिम्युलेटर के अंदर खाना पीना और धूम्रपान करना वर्जित है, इमरजेंसी स्टॉप बटन सेंटर कंसोल में लगे हैं, धन्यवाद। वाला स्क्रीन था जिसके ऊपर में अभी प्ले हुआ कुछ सीन, और इसके पास में ये वाला जो जगह है ये एयर के लिए यूज किया गया, जब कुछ सीन पे ऐसा चल रहा था जिसमें एयर हो तो एयर, और उस साइड में लाइट का भी व्यवस्था दिखा गया। बाकी ये इसके अंदर में है और बाहर निकल गए सब कोई। हम लोग आने से पहले बस जस्ट सोच रहे थे कि ये सिर्फ ऐसे ऐसे थोड़ा हिलेगा तो मजा आएगा, बाकी अंदर में तो जाके एकदम लग रहा था सच में हम लोग घूम रहे हैं उस लोकेशन, पूरा अलग ही दुनिया उधर दिखा दिया गया। तो ये रहा बाहर का कुछ सीन। साइंस सिटी के अंदर में ये जो चीज है इसको आप क्या है, नहीं है, इसरो के द्वारा बनाया गया है, इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है, इसके बारे में फुल चीज। बाकी इस चीज को घूमने के बाद अभी हम जस्ट आगे जा रहे हैं, एक्वेटिक गैली और रोबोटिक गैली ऐसा कुछ करके है, तो उधर देखते हैं कि क्या है नहीं है, बाकी लगा कैसा अभी तक, तो आगे चलते हैं बाद में फाइनली आपको बताएंगे। ये जो दिख रहा है आपको हॉल ऑफ स्पेयर, हॉल ऑफ साइंस, इसके जस्ट बाहर में हम लोग आ गए हैं, और ये रहा इसके अंदर अभी चलते हैं और इसके अंदर में क्या है नहीं है अंदर ही चल के आपको दिखाएंगे सब कुछ। यहाँ पे आएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सब चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, सब कुछ बारीकी से बताया गया है, इसमें जो सर्विस के द्वारा बताया गया है इसमें क्या क्या है। और यहाँ पे एक आपको ऊपर में लटकता हुआ आदमी दिखेगा, जिस मतलब उसको दर्शाया गया कि जैसे चांद पे लोग आप सुनते होंगे हल्के हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं, तो वो वही उड़ रहा है। और इसके अंदर में एपीजे अब्दुल कलाम भी आई है, मेन चीज तो वहाँ पे। अच्छा दिखाएंगे पहले इस साइड का दिखा दें, और यहाँ पे
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इनके बारे में यहाँ पे हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है। इनके बारे में जो भी चीज़ जानना, हाँ इनके बारे में सब कुछ इधर बताया जाता है। ये रहा फाइनली चंद्रयान, ये नहीं है वहाँ पे है। ये रहा चंद्रयान 3 और ये रहा जो भी है, आप लोग को ही बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। बाकी निहार रहे हैं, एक्चुअली ये निहार नहीं रहे, उधर से वो शूट करवा रहे थे। बताइए आप तो ढेर पढ़े लिखे हैं ना, बताइए इसके बारे में, कमेंट करके बता रहे इसके बारे में। हम तो नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बताइए, हम तुमको इधर बता देंगे, बाकी आप लोग को जो पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और हॉल ऑफ साइंस और हॉल ऑफ स्पेस के ग्राउंड फ्लोर पे जितना कुछ था अभी हम देख लिए, और अभी हम जस्ट ऊपर जा रहे हैं दौड़ दौड़ के, ताकि ऊपर में क्या चीज़ है वो देखें। और ऊपर का तो नज़ारा फर्स्ट नज़र देखते ही हम एकदम, क्या ही कहें आपको, धीरे धीरे एक एक चीज़ दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपको कि क्या है। सबसे पहले हम आ गए हैं मैकेनिकल इंजीनियर के पास, अभी पता नहीं क्या देखने के लिए अंदर गई है। हाँ, और इसके जस्ट बाहर में तो ये लोकेशन आपने देख ही लिया, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ है, मिरर का कमाल है इधर। अभी देखिए, अभी हम चल रहे हैं तो कितना सारा मिरर दिख रहा है। सोनाली वीडियो में देखो ना कितना बढ़िया लग रहा है, हम लोग का एक ही फोटो 10-12 जगह बन रहा है, एकदम सब जगह हम ही लोग। देखो जैसे सोनाली इधर भी दिख रही है आपको, इधर भी दिख रही है, इस वाले में भी दिख रही है, और इधर भी दिख रही है, इस साइड भी। तो मतलब ये वाला कमाल का सीन लगा हम लोगों को। और ये वाला जो मिरर है ये हमारे हाइट को मोटा कर दिया और छोटा कर दिया है, तो इस तरीका से हम कुछ ऐसे दिख रहे हैं इसमें। और इसके साथ भी एक सामने में भी है जहाँ पे हमारा डुप्लेक्स बन रहा है, आज तक कैमरा में डुप्लेक्स बनते देखा है, बट आप यहाँ पे रियल में डुप्लेक्स बनते देख रहे हैं आप। अमिताभ बच्चन जितना लंबा नहीं थे उतना लंबा अभी हम दिख रहे होंगे आपको इस कैमरा के अंदर में। तो साइंस सिटी के अंदर में ऐसा भी कैमरा है जो आपको बिल्कुल लंबा कर देगा। अभी इसके अंदर में जो चीज़ें दिख रहा है वो तो हम आपको बता नहीं सकते, बट हम इतना ज़रूर आपको बोलेंगे कि बिना आए हुए वो चीज़ तुम बता सकती हो कि इसके अंदर क्या दिखा तुमको। तो ऐसा ऐसा चीज़ें हैं जो हमें दिख रहा है वो हम बताएंगे, आप समझ नहीं सकते, बट आप आके अपने नज़र से इधर देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। देख ले एक बार कि ये वाला भी शीशा रहा जिसमें पता चलता, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हम कितना दूर तक ले गए कुछ नहीं दिखा, लेकिन इसको जस्ट बैक करके देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5, हमारे पास 5-5 सोनाली है इधर, हमारे पास भी 5-5 लोग होती है। और साइंस ऑफ सिटी में ये एक और अद्भुत नज़ारा हमको दिखाई दिया कि ये इधर से कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये 4-5 तरीका से दिख सकता है ऐसे, यहाँ से भी इसका कलर चेंज हो जाएगा, इधर से हम देखेंगे इसका अलग कलर हो जाएगा, इधर से देखेंगे कुछ अलग कलर हो जाएगा, इधर से देखेंगे कुछ अलग कलर दिख जाएगा। तो फोन में हम आपको कितना भी दिखा दें बट सामने से ये बहुत बढ़िया लगने वाला है, सोनाली दिखाई देगी ऐसा। चोट लग गया का? कोई बात नहीं, कैसा लग रहा है? चोट लग गया ना? नहीं, चोट नहीं लगा। फिर बस मुंडी ये निकालने का है, मुंडी सिर्फ निकलेगा इधर से। और देखिए इसके अंदर में ऐसे गायब हो गई, इसी में एक खाली डब्बा था, खाली डब्बा में ये घुस गए, लेकिन पता नहीं आधा गायब हो गए जैसे ही घुसे, इधर पूरा वो है लेकिन इस साइड में ये दिख रहे हैं। पीछे भी कुछ साइंस है कि सिर्फ हमारा सर ही क्यों दिख रहा है, पूरा बॉडी कहाँ गायब हो गया वो आपको यही पे दिखेगा। तो अभी हम उतर रहे हैं इस जगह से जहाँ पे हॉल ऑफ साइंस और हॉल ऑफ स्पेस, देखते नीचे आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगा ऊपर भी और ग्राउंड फ्लोर भी, तो ये वाला चीज बहुत अच्छा लगा। आप अगर साइंस सिटी आते हो तो हॉल ऑफ साइंस और हॉल ऑफ स्पेस में बहुत बढ़िया। फाइनली हॉल ऑफ स्पेस एंड हॉल ऑफ साइंस घूम के बाहर आ गए, इधर आते ही महसूस क्या हो रहा है वो बताओ, गर्मी महसूस हो रही क्योंकि अंदर में फुल एसी था, तो बहुत मजा आया। और उसके बाद अब हमको कहाँ जाना है उसमें वो दिखाया गया है कि एक्वेटिक गैली जाना है, रोबोटिक गैली जाना है, तो हम जस्ट अभी प्लान कर रहे हैं इसके बाद रोबोटिक गैली देखने का। और साइंस सिटी में घूमते घूमते एक बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है नेचर पार्क का, लेकिन हम लोग को लग नहीं रहा है कि हम लोग जाएंगे बिकॉज धूप उधर शायद ज़्यादा हो, तो जस्ट हम लोग बाहर से देख लेते हैं। अंदर चलना है, और गार्डन जैसा होगा कुछ, बस ठीक है देखते हैं, अगर अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। उसके बाहर में जस्ट फाउंटेन बहुत अच्छा है और उधर में नेचर पार्क है, इधर आप चाहो तो फोटो वगैरह ले सकते हो जैसा कि अभी हम लोग लेंगे, और बाहर में शेर आपका इंतजार कर रहा है।
और ये वाली जो नेचर पार्क है इसको देखने के लिए जो टिकट लगता है अगर आप 499 वाला कॉम्बो लेते हो तो उसके अंदर में ये भी फ्री है। तो ये भी हमें अच्छा लगा कि हॉल ऑफ साइंस भी उसके अंदर इंक्लूडेड था और ये भी था। तो पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है बट आगे से तो हमने दिखाई दिया आपको कितना अच्छा दिख रहा है। और जस्ट आते ही आपको बाहर में ये जो दिख रहा है आप, ये सबसे अच्छा नज़ारा है नेचर पार्क का। बाकी प्यास लगा हुआ था तो अभी प्यास बुझ गया, वो इसलिए बुझ गया क्योंकि ये जो नेचर पार्क है हमारा इसके अंदर में पानी का भी अच्छा व्यवस्था है और इस भाई ने हमको हेल्प किया पानी बोतल के लिए, हमारे पास बोतल नहीं था तो इसने बोतल दिया था। बाकी अब इसके अंदर में चलते हैं हम घूमने और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या दिखाई देता है। चलो, ये वाला जो सीन है वो है आई लव नेचर पार्क का जो कि साइंस सिटी के अंदर में ही पड़ता है, मतलब नेचर पार्क अंदर में ही है। फिर एक क्या था अभी इसके पहले जो था सोलर सिस्टम वाला जो देखे वो भी अंदर में, मतलब इतना सारा लगेगा कि किसी अलग शहर में आ गए, साइंस सिटी नाम ही है। और बाकी हर जगह होता है कि जस्ट लिखा रहता है कि आई लव फलना आई लव चिलना, बट ये वाकई में आई लव नेचर पार्क लिख के और जो नेचर यहाँ पे दिख रहा है वो काफी बहुत ही ज्यादा बढ़िया भी है यहाँ पे। और ये वाली जो फाउंटेन आप दिख रहे हो ये कहाँ पे है सोनाली? ये भी वाटर पार्क के अंदर ही है, वाटर पार्क के अंदर, जो नेचर पार्क था उसके जस्ट बगल में। ठीक है, तो साइंस सिटी अगर आप आते हो तो नेचर पार्क के बगल में जस्ट आपको ये भी फाउंटेन दिखेगा जो काफी बढ़िया दिख रहा है फोटो वीडियो के लिए। इसका रील्स आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। साइंस सिटी देखना और घूमना बहुत ही अच्छा लग रहा है बट उसके बिहाइंड में देखोगे तो गर्मी नहीं है बट है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। और अगर धूप थोड़ा कम भी बिल्कुल नहीं, हाँ धूप थोड़ा कम भी है तो फर्क इसीलिए पड़ जा रहा है कि एक तो हवा नहीं चल रहा है और ऊपर से गर्मी का मौसम है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रखा है। और इधर साइंस सिटी में के बाजू में ही इधर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ था वो पूरा कुछ इधर दिखाया गया है। तो ये वाली जो आप पॉइंट देख रहे हो ये पॉइंट है नेचर पार्क के जस्ट सामने का। नेचर पार्क हम लोग घूम लिए, बाकी सुस्त सुस्त से हमारी वाइफ थोड़ी दिख रही होगी बट क्या ही कर सकते हैं, धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग थोड़ा खा के भी नहीं आए थे, जस्ट सुबह जल्दी उठ के आ गए थे तो अभी हम लोग खाने के इंतजार में जा रहे हैं।